कितने बजे शुरू होगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मुकाबला, इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेगी दोनों टीमें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मुकाबला माउंट गनोई में खेला जाना है। इस मुकाबले के लिए दोनों टीमें पूरी तरह से तैयार हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इस मुकाबले को किस प्रकार से लाइव देख सकेंगे और साथ ही क्या होगी इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11। तमाम जानकारी आपको इस मुकाबले से जुड़ी हुई इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही आप भी चाहते कि टीम इंडिया इस मुकाबले को शानदार तरीके से जीते तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक, और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, फिलहाल हम बात करें दोनों टीमों की, तो यहाँ पर दोनों टीमों के लिए मुकाबला अब सीरीज के लिए जीतने के लिए जीतना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो टीम इस मुकाबले को हारेगी वो सीरीज जीतने का सपना टूट जाएगा उनका। अब बाई ओवल माउंट मनोगई में ये मुकाबला दोनों टीमों के बीच खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए हम बात करें न्यूजीलैंड की टीम की, तो दोस्तों न्यूजीलैंड के पास कई दमदार खिलाड़ी मौजूद है। वैसे न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 की हम बात करें तो इस टीम के लिए पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे इस मुकाबले में फिन एलन और डेविन कॉनवे। दोनों बल्लेबाजों ने अब तक काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है और काफ़ी शानदार बल्लेबाजी भी की है। खास करके फिन एलन जहाँ आक्रामक रुख अपनाते हैं तो वहीं पर डेविन कॉनवे संभल कर बल्लेबाजी करते हैं। वहीं पर इसके बाद नंबर 3 पर टीम के कप्तान केन विलियमसन उतरेंगे तो नंबर 4 पर ग्लेन फिलिप्स उतरने वाले हैं। इन दोनों बल्लेबाजों से भी इस टीम के लिए मिडिल ऑर्डर में काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की उम्मीद रहेगी। हम बात करें ग्लेन फिलिप्स की, तो इन्होंने भी अब तक काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया। T20 वर्ल्ड कप इनका काफ़ी बेहतरीन गया है, ऐसे में ये यहाँ पर एक बार फिर कमाल कर सकते हैं। तो वहीं पर दोस्तों नंबर 5 पर डेरियल मिचेल खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद हम बात करें नंबर 6 की, तो यहाँ पर ऑलराउंडर जेम्स जेमी नीसम खेलते हुए नजर आएंगे। तो नंबर 7 पर मिचेल सेंटनर उतरने वाले हैं। दोनों खिलाड़ियों की हम बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जिमी नीसम हालांकि फिलहाल उतनी गेंदबाजी नहीं करते हैं, लेकिन ये एक बेहतरीन गेंदबाज भी हैं, तो यहाँ पर ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की इन दोनों से उम्मीद होगी। इसके बाद दोस्तों नंबर 8 पर हम टीम साउथी को खेलते हुए देखेंगे। तो नंबर 9 पर एडम मिलने उतरने वाले हैं, जबकि नंबर 10 पर लॉकी फर्गसन, तो नंबर 11 पर ब्लेयर टिकनर उतरेंगे। वहीं पर दूसरी तरफ टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की हम बात करें तो भारतीय टीम के लिए दो विस्फोटक बल्लेबाज पारी की शुरुआत करेंगे। एक तरफ जहाँ ईशान किशन आक्रमक बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ संभल कर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे शुभमन गिल। यानी कि दोनों टीमों की ओपनिंग जोड़ी कुछ एक प्रकार से ही नजर आती, जहां एक खिलाड़ी संभल कर बल्लेबाजी करता है तो एक आक्रामक बल्लेबाजी करता है। वहीं पर इसके बाद नंबर 3 की हम बात करें तो टीम इंडिया की तरफ से संजू सैमसन हमें खेलते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर संजू को बेहतरीन पारी खेलनी होगी। इसके बाद नंबर 4 पर 360 डिग्री सूर्य कुमार यादव उतरेंगे। सूर्य से भी आक्रामक परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी, जैसा कि वो जाने जाते हैं अपने परफॉर्मेंस के लिए, कुछ ऐसा ही यहाँ पर दिखने वाला है। इसके बाद नंबर 5 पर हमें ऋषभ पंत दिखेंगे, जो कि इस टीम के विकेट कीपर भी होंगे। ऋषभ पंत से भी यहाँ पर बल्ले से कमाल करने की उम्मीद जरूर की जा सकती है। तो वहीं पर नंबर 6 पर हमें हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि टीम के कप्तान हैं और बेहतरीन ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद नंबर 7 पर दीपक हुड्डा उतरेंगे, तो नंबर 8 पर भुवनेश्वर कुमार उतरने वाले हैं, जबकि दोस्तों नंबर 9 पर हमें यजवेंद्र चहल खेलते हुए नजर आएंगे। तो नंबर 10 पर अर्शदीप सिंह खेलते हुए नजर आएंगे, जबकि नंबर 11 पर उमरान मलिक उतरने वाले हैं। यानी कि देखा जाए तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 काफ़ी मजबूत नजर आ रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा निगाहें इस मुकाबले में उमरान मलिक के ऊपर रहने वाली हैं कि आखिरकार वो किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं इस मुकाबले में, क्योंकि वो रफ्तार के किंग कहे जाते हैं। वहीं पर दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की तरफ से कौन कौन से खिलाड़ी कमाल करेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। साथ ही दोस्तों, ये मुकाबला शुरू होगा भारतीय समयानुसार दोपहर के 12 बजे। यह मुकाबला खेला जाएगा 20 नवम्बर को, जिसे आप लाइव देख सकेंगे अमेजोन प्राइम वीडियो पर, और साथ ही साथ DD स्पोर्ट्स पर भी इसे लाइव देख सकते हैं। तो दोस्तों, क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी इस मुकाबले में, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।